नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मेडी फ्रेंड्स में। मैं हूं अखिल और आज हम जानेंगे प्रीगाबा एम कैप्सूल के बारे में। प्रीगाबा एम कैप्सूल के बेनिफिट्स क्या है, इसे यूज करने का सही तरीका क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है और साथ ही आज हम जानेंगे इसे किस किस कंपोजिशन के माध्यम से बनाया गया है। प्रीगाबा एम के बारे में विस्तार से जानने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल बटन को दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंचता रहे। तो आइए अब हम जानते हैं प्रीगाबा एम कैप्सूल के बारे में। प्रीगाबा एम कैप्सूल यह एक टोरेंट कंपनी की ब्रांड है। बात करो इसके MRP की तो समथिंग 320 रुपया है जो 15 कैप्सूल का आता है। इसे आप किसी भी नियरेस्ट मेडिकल स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं प्रीगाबा एम कैप्सूल को किस किस कंपोजिशन के माध्यम से बनाया गया है। इसमें प्रीगाबालिन होता है जो 75 mg में होता है और साथ ही मिथाइकोबालामिन होता है जो 750 mcg में होता है। अब हम जानते हैं प्रीगाबा एम कैप्सूल का इस्तेमाल आप किस किस कंडीशन में कर सकते हैं। अक्सर डॉक्टर प्रीगाबा एम को प्रिस्क्राइब जिन लोगों के नब्स में दिक्कत होता है, यानी नब्स में पेन हो रहा होता है, नसों में दर्द रहता है या नसों में किसी इंजरी के कारण ब्लॉकेज हो जाता है, तो उस सभी कंडीशन में प्रीगाबा एम कैप्सूल को प्रिस्क्राइब करते हैं। जिन लोगों को नस में किसी भी प्रकार की परेशानी है, चाहे हाथ की नस में हो, पाँव के नस में हो, सर के नस में हो, तो उस कंडीशन को उसको सही करने के लिए अक्सर प्रीगाबा एम कैप्सूल को प्रिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो कंपोजिशन पाया जाता है जो प्रीगाबालिन होता है वो आपके दर्द को सही करता है, पेन को सही करता है, और जो इसमें मिथाइकोबालामिन होता है वो आपके इंजरी को सही करता है, नब्ज़ की ताकत को बढ़ाता है, विटामिन B12 होता है ये, जो आपके शरीर में नसों को मजबूत करता है, तो उन सभी कंडीशन में काम करता है। इसका डोज आप दिन में एक बार किसी भी टाइम ले सकते हैं या जिस प्रकार से आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं उस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीगाबा एम का कुछ न्यूनतम साइड इफेक्ट होता है जिसमें आलस आना, नींद लगना, ये सब शामिल है। साथ ही प्रेग्नेंट लेडी या जो लेडी बच्चे को फीडिंग करा रही है या जिनको हार्ट से रिलेटेड दिक्कत है, उन लोगों को इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर का सलाह अवश्य लेना चाहिए। साथ ही बताना चाहूँगा, हम अपने चैनल के माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक लाते हैं या एक जानकारी मात्र होता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर का सलाह अवश्य लें। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक होता होगा। फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।